नमस्कार, मेरा नाम है फुदु कुमार। तो ना यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ ऑपरेशन कावेरी, ये जो ऑपरेशन कावेरी जो ये वर्ड है ना, ये दरअसल भारत में नहीं, हर एक कोई पूरा दुनिया में भी इस चीज़ को देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये ऑपरेशन कावेरी किस बेसिस पे भारत सरकार ने लाया है और किस तरह से ये एक मेगा प्लान है जिससे कि भारतीयों को बचाया जा रहा है इस ऑपरेशन कावेरी के द्वारा। तो सबसे पहले तो अब हम लोग जानते हैं कि ये ऑपरेशन कावेरी, अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो ये क्या है। दरअसल ये ऑपरेशन कावेरी है, वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन लाया गया है जो कि लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि हम लोग जो इंडियन सिटीजन जो कि सूडान में रहने वाले हैं उन सभी को इसे घर वापसी मतलब कि भारत में लाया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सूडान में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पे सब कोई को भारतीय को वहाँ जो भारतीय रहते हैं उन सभी को यहाँ पे लाया जा रहा है। उससे पहले हम लोग सबसे पहले तो सूडान को समझ लेते हैं, सूडान आखिर है कहाँ। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत और इसी में ही आपको पता ही कि भारत एशिया महादेश में रहता है, उसी के जैसा एक महादेश जिसका नाम है अफ्रीका, उसी में एक छोटा सा देश जिसका नाम है सूडान, जो कि रेड सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे मैप में देखिए, ये हो गया सूडान। तो ये सूडान है, यहीं पे देखिए रेड सी सुएज कनाल, आपको सुएज कनाल पता ही, यहाँ पे सुएज कनाल जो कि पास होता है, जो कि रेड सी से आता है, बहुत ही अहम रोल निभाता है भारत के जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तभी हिस्सा होता है, सुएज कनाल से ही पास होता है। तो वहीं में से एक बॉर्डर शेयर करता है जो कि सूडान देश है, जो कि रेड सी से आता है, रेड सी के बगल में है सूडान। तो यहाँ पे दरअसल हुआ क्या है ना, जिसके चलते कि हम लोग को ऑपरेशन कावेरी लाना पड़ गया और किस तरह से ये ऑपरेशन कावेरी इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि यहाँ तक कि श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर वो भी ऑपरेशन कावेरी को बहुत ज़्यादा नाम कर रहे, स्पेशली उन्होंने थैंक यू कहा इंडियन गवर्नमेंट को ऑपरेशन कावेरी के चलते। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ये सूडान देश में हुआ क्या है और क्यों इतना ज़्यादा भगदड़ मचा हुआ है पूरा दुनिया, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सूडान में क्या हो रहा है, वहाँ पे दरअसल सिविल वार जैसा माहौल चल रहा है, सिविल वार माहौल का वहाँ पे डायरेक्ट सिविल वार ही चल रहा है। यहाँ पे दो जनरल मतलब कि जो लोग एक तरह समझिए जो आर्मी का जो जनरल रहता है, जो कि वहाँ पे कुछ साल पहले वहाँ पे तख्ता पलट हो गया था सूडान में, जिसके चलते वहाँ पे दो आर्मी जनरल, एक पैरामिलिट्री फोर्सेस का और एक नॉर्मल मिलिट्री आर्मी का जो जनरल रहता है, उन दोनों ने अपना सरकार बनाया, दोनों को मिल के एक मैत्री वाला सरकार, जिसमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये इसका अंडर में आता है पूरा आर्मी और इसके अंडर में आता है पूरा का पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस सूडान का। तो इन दोनों ने वहाँ पे मिलिट्री का पूरा एकदम गठजोड़ बना, वहाँ पे सरकार बनाई और अच्छा सरकार चल ही रहा था, लेकिन दोनों को मतलब कुछ कुछ वहाँ पे बात विवाद हुआ होगा दोनों को अपना पावर दिखाने के लिए कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, जिसके चलते इन दोनों ने एक दूसरे के बीच में वार छेड़ दिया और उसी के चलते वहाँ के आम जनता चाहे कुछ भी हो सबको वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सिविल वॉर हो रहा है, इसके चलते बहुत ज़्यादा हानि हो रहा है। तो इसी बीच में अब आपको पता ही है कि यहाँ जो भारतीय लोग हैं वो हर एक देश में, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत थोड़ा बहुत कम रहता है, जिसके चलते पूरा का पूरा विश्व में ही पूरा भारतीय लोग जाते हैं अपना अपना धंधा पानी करने के लिए, ताकि वहाँ से पैसा लाएँ कमाएँ और सब कोई भारत में लेके आएँ और अपना रोजी रोटी चलाएँ। तो ऐसा ही हुआ है कि भारत के भी लोग, कई सारे भारतीय लोग थे जो कि वहाँ पे सूडान जो देश है उसी में लगभग 3000 लोग थे जो कि सूडान देश में काम करते थे। तो यहाँ पे अब सिविल वार हो रहा है, ऐसा सिविल वार जैसा पूरा माहौल बन गया, जिसके चलते भारतीय लोगों को लाया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पे जो कावेरी मिशन है उसी को ऑपरेशन कावेरी नाम का एक रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है, जिसकी हम लोग अपना इंडियंस लोगों को भारत में लाएंगे। तो यहाँ पे ये जो सूडान में जो फंसे हुए लोग हैं उसमें से लगभग 3000 लोग जो भारतीय लोग रहते हैं सूडान में, 3000 लोग वही सभी को यहाँ पे भारत में लाया जा रहा है। ये जो मिशन है ना, बड़ा ही एकदम गजब टाइप का मिशन है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे सूडान हो गया, यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो गया। तो सबसे पहले सूडान से लेके सऊदी अरेबिया यहाँ पे लाया जाएगा, फिर सऊदी अरेबिया से लेके इंडिया लाया जाएगा सभी कोई को। ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो कि होते हैं वहीं से सब कोई को सबसे पहले तो वहाँ सूडान से लाया जाएगा, फिर वहाँ से एरोप्लेन के द्वारा यहाँ पे सब कोई को इंडिया में लाया जाएगा। बहुत ही गजब का मेगा प्लान बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिससे कि हम लोग अपने भारतीय लोगों को, 3000 जो भारतीय लोग हैं उसको हम लोग सीधे ले आएंगे कावेरी ऑपरेशन के द्वारा। और ये जो कावेरी ऑपरेशन है ना, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही सराहनीय काम यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट कर रही है, जिसके चलते यहाँ पर श्रीलंका का भी आदमी लोग यहाँ पे सूडान में फंसा हुआ है, जिसके चलते श्रीलंका तो आपको समझ में आइए रहा, श्रीलंका भी अपने आप में वो बर्बाद है। तो यहाँ पे भारत ने उसको स्पेशली ऑपरेशन कावेरी के चलते उसको हेल्प किया,
मतलब उसके भी लोगों को लाने का वादा किया है, जिसके चलते स्पेशली विदेश मंत्री अली साबरी ने थैंक्स कहा है पीएम मोदी को और इंडियन गवर्नमेंट को कि थैंक यू ये ऑपरेशन कावेरी के चलते कि हमारे जो लोग हैं वो भी इसके बेसिस पे आ रहे हैं हमारे देश में, क्योंकि इनके तो वैसे भी आर्थिक स्थिति चली रही बहुत ख़राब। तो अब देखिए ये जो सूडान है, ठीक ये सूडान है, तो यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। सिविल वॉर के चलते यहाँ पे हर एक कोई नॉर्मल यहाँ का पब्लिक है, चाहे भारतीय हो चाहे कोई भी देश का आदमी हो, जिसको लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल रिस्क, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि वहाँ पे बायोलॉजिकल रिस्क हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जो फाइटर्स हैं, मतलब जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी के बीच में जो लड़ाई चल रहा है दो जनरल के बीच में, जिसके चलते एक जो वहाँ पे बायोलॉजिकल जो वहाँ पे सूडान का लैब जो था वहाँ पे बायोलॉजिकल लैब, उसको एक संगठन ने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसके चलते वहाँ पे बायोलॉजिकल रिस्क भी अब बढ़ गया है कि कहीं वहाँ पे कुछ उठपटांग ना हो जाए, कोई बम ना फोड़ दे, जिसके चलते वहाँ पे हाहाकार मच जाएगा एकदम, बस कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे, सीधे दनादन सब मरने स्टार्ट होएगा, जिसके चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज कंसर्न है। इसीलिए अब ऑपरेशन कावेरी ला गया भारत के द्वारा, जिससे कि हम लोग अपने भारतीय लोगों को कम से कम बचा सकें। और यहाँ पे भारत को देखिए मनसा देखिए, सिर्फ और सिर्फ भारत को नहीं, जो भी उसके साथ माना चाहता तो उन सभी को ये भारतीय गवर्नमेंट है वो सभी को बचाना चाहिए। जैसे कि श्रीलंका ने खुद ऑफिशियली यहाँ पे थैंक्स बोला है, तो बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच में जो लड़ाई है, जिसके चलते पूरा का पूरा सूडान के लोगों को, भारतीय लोगों को जो वहाँ पे काम करते थे, श्रीलंकाई लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, एक तरह से बोलिए दोनों के पावर, मतलब पावर दोनों साथ में मिलकर चला, बहुत ही अच्छे दोस्त थे कुछ साल पहले 2021-22 में, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसके चलते इनका जो आर्मी है और इनका जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है दोनों के बीच में एकदम जंग चल रहा है, जिसके चलते आम नागरिक भी इसके चलते पिसालम पिसा रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि अब ये जो ऑपरेशन कावेरी है, जिससे कि अभी जो पहला बैच है, जो फर्स्ट बैच 278 इंडियंस को यहाँ पे सूडान से मतलब निकाल लिया गया है, जो कि वहाँ पे अभी रास्ता में ही है वो लोग, जिसको सऊदी अरेबिया चाहे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में लाया जाएगा, वहाँ से उनको फिर भारत लाया जाएगा। बहुत ही सराहनीय काम चल रहा है, 278 आदमी अभी बच गए वहाँ से, अभी 3,000 में से इतना तो कम से कम घटनी ना गया, बहुत ही अच्छा काम है। और ये जो ऑपरेशन कावेरी है, ये जो ऑपरेशन कावेरी है जिसमें कि दो एयरफोर्स प्लेन जो कि जेदा में है, और नेवी शिप इन सूडान, मतलब नेवी शिप, मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सूडान से वहाँ पे रेड सी पड़ता है, तो वहाँ पे नेवी शिप से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में लाया जाएगा, फिर एरोप्लेन से सीधे भारत में लाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे दो एयरफोर्स एयरप्लेन वहाँ पे रखा गया है जेदा में, और यहीं पे सूडान में नेवी शिप रखा गया, सभी भारतीयों को कलेक्ट करके यहाँ पे लाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन कावेरी, इसी के बेसिस पे अगर अभी हम लोग देखें फिलहाल में ही, तो कई सारे ऑपरेशंस लाए गए, जैसे कि ऑपरेशन गंगा, आपको पता है कुछ दिन पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो गया था, जिसके चलते ऑपरेशन गंगा लाया गया, जिसको पूरा दुनिया ही आ करके देखते रह गया था कि किस तरह से यहाँ पे इंडियन लोग पूरा आराम से अपने आप को, अपना जितना भी वहाँ पे यूक्रेन में रहते थे, वहाँ पे युद्ध का माहौल बन गया था पूरा एकदम, युद्ध युद्ध चल रहा था, जिसके चलते यहाँ पे आराम से ऑपरेशन गंगा के थ्रू यूक्रेन से अपना आदमी लोग को, इंडियंस को लाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री, ऐसे ऐसे कई सारे ऑपरेशन, इवैक्यूएशन ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा लाए गए कुछ यही फिलहाल सालों में, जिससे कि भारतीयों को बचाया गया। उसी के बेसिस पे यहाँ पे ऑपरेशन कावेरी लाया गया, जिससे कि भारतीयों को बचाया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम है। और इससे ऑपरेशन कावेरी से बस एक ही बात समझने कि जो सूडान में है, जो अभी जूझ रहा है सिविल वार जो चल रहा है सूडान में, जिसके चलते अब वहाँ पे इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जिसके चलते अब यहाँ पे आम नागरिक भी पिस रहे हैं, तो भारतीयों को वहाँ से निकाला जा रहा है कि आप लोग वहाँ रहिएगा तो मरा जाइएगा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, जिसके चलते ऑपरेशन कावेरी लाया गया है। और ये एक मेगा प्लान है भारत का, जिससे कि हम लोग आराम से इंडियन लोगों को अपना देश में वापस, वतन वापसी करवा रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा ऑपरेशन कावेरी के बारे में समझ में आ गया होगा, और ये मेगा प्लान के बारे में भी समझ में आ गया, जिससे कि भारतीयों को बचाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे।